लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान में सियासी पारा गर्म है। ऐसे में दल बदल का खेल लगातार जारी है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दरअसल कांग्रेस की डूबती नैया में सवारी कोई भी नहीं करना चाहता है, लेकिन इस बार कांग्रेस को सांसद राहुल कस्वा के बाद एक और दिग्गज चेहरा मिल गया है। यह दमदार चेहरा हाड़ौती से है। बीजेपी पार्टी और विचारधारा से लंबे अरसे तक जुड़े रहे प्रहलाद गुंजल अब जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। इस खबर ने बीजेपी में भूचाल ला दिया है, बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल कोटा बूंदी लोकसभा सीट से ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आते हैं और उनके सामने कांग्रेस अब गुंजल को चुनाव मैदान में उतार सकती है। प्रहलाद गुंजल काफी समय से पार्टी की ओर से दरकिनार किए जा रहे थे। पिछले विधानसभा चुनाव को ही देख लें तो इसमें बड़ा तरसा तरसा कर बीजेपी ने आखिर में उन्हें टिकट दिया था। कांग्रेस के शांति धारीवाल के सामने उन्होंने दमदार चुनाव लड़ा, हालांकि वे हार गए थे। अब उन्हें उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में पार्टी उन पर ध्यान देगी, उन्हें मौका देगी, लेकिन काफी लंबे अरसे से प्रहलाद गुंजल और उनके कार्यकर्ता बीजेपी में असहज महसूस कर रहे थे, मानो उनका मन उचट गया हो और उन्होंने यह फैसला ले लिया है। जल्द ही प्रहलाद गुंजल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। पहले दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उन्हें औपचारिकता के तौर पर कांग्रेस ज्वाइन कराएंगे। उसके बाद एक बड़ा समारोह जयपुर में होगा जिसमें उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराई जाएगी। माना जा रहा है कि प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में शामिल होने से एक साथ तीन लोकसभा सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कोटा बूंदी के साथ ही बारां झालावाड़ और भीलवाड़ा तक प्रहलाद गुंजल को का जोरदार प्रभाव रहा है। उनकी पकड़ शहरी क्षेत्र के साथ ही देहात में सबसे ज्यादा है। गुर्जर समुदाय के वे बड़े चेहरे माने जाते हैं और इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में गुर्जर समुदाय में प्रहलाद गुंजल का बड़ा क्रेज माना जाता है। कोटा बूंदी क्षेत्र में कांग्रेस को यह बड़ा चेहरा मिलना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कोटा बूंदी क्षेत्र को संघ की प्रयोगशाला भी कहा जाता रहा है। अब सियासी पंडितों का मानना है कि कांग्रेस के पास मौजूदा वक्त में होने को तो कुछ भी नहीं है। बीजेपी लगातार दो बार राजस्थान में क्लीन स्वीप कर चुकी है, तो फिर जहां एक और कांग्रेसी नेताओं में बीजेपी में शामिल होने के लिए भगदड़ मची हुई है, होड़ मची हुई है, ऐसे में बीजेपी के दिग्गज और बड़े चेहरे कांग्रेस का रुख क्यों करने लगे हैं? अगर गौर करें तो बीजेपी सांसद राहुल कस्वा के बाद कांग्रेस में शामिल होने जा रहे प्रहलाद गुंजल दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। दोनों ही नेता उन सीटों से ताल्लुकात रखते हैं जहां से वसुंधरा राजे के धुर विरोधी यानी कि राजेंद्र राठौड़ और ओम बिरला आते हैं। दरअसल 2017 तक वसुंधरा राजे का राजस्थान भाजपा में एक छत्र राज माना जाता था, लेकिन इसी बीच ओम बिरला और राजेंद्र राठौड़ जैसे नेता अंदर ही अंदर भाजपा में वसुंधरा राजे के प्रभाव को कम करने में जुट गए थे। अब वसुंधरा राजे के इशारे पर लोकसभा चुनाव में बड़े उलटफेर की संभावना है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि वसुंधरा राजे के मन में केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ उन्हें सीएम नहीं बनाने की टीस कम होने का नाम नहीं ले रही है, और संभावना है कि गुंजल के साथ ही या गुंजल के बाद ही कुछ और भी बीजेपी के प्रभावशाली बड़े चेहरे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में राजस्थान में क्लीन स्वीप की हैट्रिक से बचने के लिए कांग्रेस के लिए राहत की खबर हो सकती है। हालांकि डबल इंजन सरकार के प्रभाव में कई कांग्रेसी नेता लगातार भाजपा में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। खैर फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। जाते जाते यही कहूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।